नमस्कार, द लीडर हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिनव रस्तोगी। बरेली में दीनानाल लस्सी का नाम तो आपने सुना ही होगा, बहुतों ने रोडवेज आते या जाते समय लस्सी भी पी होगी, वही लस्सी जिसका चर्चा बॉलीवुड तक होता है। कोतवाली से सटी इस बेहद पुरानी लस्सी की दुकान पर शाम के वक्त एक शमशार करने वाली घटना हुई। इल्ज़ाम है कि महज पानी मांगने पर एक महिला और उसके साथ के दो लोगों से मारपीट करी गई, वो भी सड़क पर दौड़ा दौड़ा कर। लस्सी के मालिक और उनके कर्मचारियों की इस गुंडई की साक्षी सड़क पर भीड़ भी बनी। उनका यह अपराध सीसीटीवी में कैद हो गया। मामला पुलिस तक तहरीर के तौर पर पहुंचा है। पिटाई का शिकार बनी मंजू गुप्ता ने पूरी घटना रो रोकर बताई कि किस तरह दवा खाने के लिए पानी मांगा तो हैवानों जैसा व्यवहार अपनाया गया। पहले आप फतेहगंज पूर्वी की रहने वाली मंजू की जुबानी सुनिए कि उनके साथ क्या हुआ, उसके बाद हम आपको बताएंगे कि पुलिस इस मामले में क्या कर रही है। साथ ही सीसीटीवी भी दिखाएंगे जिसमें कुछ लोग महिला को पीटते हुए दिखाई दे रहे हैं। मंजू कहाँ से आने थी? क्या हुआ बताओ आज? हम दवाई खाने के लिए पानी मंगाया दवाई से, तो उसमें भाई जी की किसने जो जिसकी दुकान है किसकी एक हाथ मारा सूट के। किसकी दुकान है? अभी हम लोग खड़े थे, हमको उसका नाम उसके बराबर में वही दीनानाथ दीनानाथ लस्सी जी। क्या हुआ फिर? फिर पानी लेने गया तो उसे गाली दी, तो उसने कहा गाली किस बात को दे रहे, पानी नहीं लेने, तो उसके थप्पड़ मारा सूट के। जब हम गए क्यों थप्पड़ क्यों मार रहे, तो हमें डंडा मारा मारे, हम तो वहीं गिर गए वहीं उसे मारने लगे। कौन था आपके साथ, क्या नाम है उनका? हमारा दीपक भाई है और संतोष है। उन दोनों बहुत बुरी तरीके से मारा है डंडों से, अब गाड़ी में घुसेड़ दिया, गर्दन बिल्कुल दबा दी। अभी हमने देखा तक नहीं कितनी चोट लगी। हम न्याय चाहते हैं। इस तरीके से बताओ, इस तरीके से कोई अत्याचार किसी के साथ करेगा? ये तो जंगल राज है, और मारेंगे क्या? यारे तुम क्या कैमरा ले जाए बहरहाल पुलिस ने कोतवाली के ठीक पास हुई दादागिरी का मुकदमा मारपीट में दर्ज कर लिया है। घटना को लेकर द लीडर हिंदी ने दीनानाल लस्सी के मालिक प्रियांशु जायसवाल से बात करी तो उनका कहना है कि पता करके बताता हूं कि हमारी दुकान पर मारपीट हुई है कि नहीं। उसके बाद हम उनके फ़ोन का इंतज़ार करते रहे लेकिन उनका जवाब नहीं आया।